गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है न्यूज़ में था, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ था न्यूज़ में, क्या इसके प्रोविजन्स हैं और क्या इसके इश्यूज़ हैं, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कंटेक्स्ट के आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला, जिसमें जो महाराष्ट्र की MVA गवर्नमेंट, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो गवर्नमेंट है, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी शिवसेना और कांग्रेस की, वो टूट गई और वहां पर शिवसेना के कुछ रेबल लेजिस्लेटर्स द्वारा और बीजेपी के कुछ लेजिस्लेटर्स द्वारा, MLA द्वारा एक नई गवर्नमेंट जो है बनाई गई, जिसमें एक नया CM बना है और एक नई कैबिनेट अब बनेगी। तो उस पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है बहुत न्यूज़ में था कि कैसे शिवसेना के कुछ लेजिस्लेटर्स, लगभग 38 लेजिस्लेटर्स MLAs जो है पार्टी से छोड़ गए, पार्टी को छोड़कर चले गए, निकल गए और उन्होंने जाकर एक नई कोलिशन गवर्नमेंट बनवा ली एक नई पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो उस वक्त बात चल रही थी एंटी डिफेक्शन लॉ की कि क्या इन रेबल लेजिस्लेटर्स के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए या नहीं, और उसमें जो डेप्टी स्पीकर थे उनके डिसीजन को क्यों नहीं माना गया, क्या इसका केस था, आज हम जानेंगे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ महाराष्ट्र में, जिससे महाराष्ट्र की जो MVA, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो गवर्नमेंट है, चली गई। उसके बाद लड़ाई चलती रही इन लेजिस्लेटर्स के चलते, जिस वजह से ये काफी न्यूज में था। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक तरह की पनिशमेंट है उन लेजिस्लेटर्स के लिए, उन MLAs के लिए या फिर उन MPs के लिए जो एक टिकट पे, जिनका चयन होता है चुने जाने के बाद, हाउस में आने के बाद, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में वो चले जाते हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट उन पर लगाई गई, उस पनिशमेंट के बारे में बात करता है आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे लाया गया था 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के द्वारा इस एक्ट को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इसके अंदर बात की गई थी प्रोविजंस की कि डिसक्वालिफिकेशन अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या डिसक्वालिफिकेशंस होंगी, बट इट अलाउड मर्जर ऑफ 1/3 मेंबर्स, के अगर एक तिहाई मेंबर्स निकल के चल जाते हैं उस केस में ये अलाउ करता था मर्जर, राइट। लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया फाइनली 91st अमेंडमेंट 2003 में NDA गवर्नमेंट में, जब उन्होंने कहा कि मर्जर का मतलब भी 1/3 नहीं बल्कि 2/3, कि अगर 2/3 ऑफ मेंबर्स चले जाते हैं पार्टी के तब हम उसे कहेंगे एक मर्जर हो गया, कि वो पार्टी के मेंबर जो है साथ में किसी और के साथ जाके गवर्नमेंट बना लेते हैं, उस केस में उसको मर्जर कहेंगे। लेकिन अगर इससे कम होते हैं उस केस में हम मर्जर नहीं कहेंगे और इसे एक तरह की डिफेक्शन कहेंगे, कि जान मूझ कर जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए और किसी ना किसी फाइनेंशियल या फिर मिनिस्ट्रियल गेन्स के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया, ताकि वो दूसरी तरफ जाके मिनिस्टर्स बन सकें या किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन उन्हें हो सके, राइट। इसका जो डिसीजन है वो जो आपके चेयरमैन या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस, जैसे कि राज्यसभा है तो वहां पे चेयरमैन या फिर MLC है, वहां पे भी आपके चेयरमैन, और दूसरा नहीं तो लोकसभा या असेंबली में जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, जो आपकी डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी डिसक्वालिफिकेशन के केसेस में। और इसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि कितने टाइम में आपको इस डिसक्वालिफिकेशन का जो है डिसीजन आपको लेना है, राइट। और ये जो डिसक्वालिफिकेशन है ये खुद से नहीं लगती, बल्कि अगर कोई और लेजिस्लेटर किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेटर या नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स के खिलाफ कंप्लेंट करे कि इन्होंने ऐसा किया है, उस केस में इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर इसके ऊपर डिसीजन सुनाया जाता है। तो एज सच खुद से ये नहीं है, राइट। तो किसी ना किसी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, उस केस में आपका जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है काम में आता है। अब हम बात करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के, किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ।
जो सबसे पहला ग्राउंड है दैट इज वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम पार्टी मेंबरशिप, कि अगर कोई एक पार्टी की टिकट से चुनाव जीतने के बाद हाउस में जाए और जाके वहां पे वॉलंटरली खुद से उस पार्टी को छोड़ दे, उस केस में उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और स्पीकर अगर डिसीजन दे तो उसे उस हाउस से उस टेन्योर के लिए निकाला जा सकता है। लेकिन वो दोबारा किसी भी जगह से टिकट लेके जो है दोबारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेके इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उस टेन्योर में उसे बाहर कर दिया जाएगा अगर वो वॉलंटरली रिजाइन कर देता है, खुद से रिजाइन कर देता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई रिजाइन ना करे लेकिन किसी भी तरह की एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, उस केस में भी उस पे कौन सा लो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लग सकता है, ये भी एक ग्राउंड है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का उस हाउस में से। सेकंड है वोटिंग एब्सटेंस और अगेंस्ट, अगर कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी की विप के खिलाफ वोट करता है या एब्सटेन करता है, नहीं करता वोट, उस केस में भी उस पर डिस्क्वालिफिकेशन लग सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन के उसने 15 दिन पहले ये सब करने की अप्रूवल अपने पार्टी के चीफ विप से या जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसकी पार्टी की उससे परमिशन ली हो, उस केस में उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बिना बताए एब्सटेन कर जाए या अगेंस्ट वोट कर दे तो उस केस में भी वो डिसक्वालीफाई हो सकता है अगर उसके पार्टी के मेंबर्स कंप्लेंट कर दें स्पीकर ऑफ द हाउस या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस को। थर्ड इज इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, के जो इंडिपेंडेंट मेंबर हैं जो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं वो बाहर से सपोर्ट तो कर सकते हैं कि सपोज कल को नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो उस केस में गवर्नमेंट को बचा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पार्टी की टिकट पर जीत कर नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि वो हाउस में जाने के बाद अपना वो इंडिपेंडेंट वाला साइन जो है पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। दिस अगेन कॉल्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। बाहर का सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे वो वोट कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में नहीं जा सकते। इट कॉल्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। एंड लास्टली नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं चाहे वो एमएलसी में हो चाहे राज्यसभा में हो, राइट, तो वो जो मेंबर्स हैं चुने जाने के 6 महीने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो अगेन इट कॉल्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन को उन्हें, अगर ऐसा कुछ करना है तो 6 महीने के अंदर अंदर वो कर लें अपने चुने जाने के बाद, अपने नॉमिनेट होने के बाद उस हाउस में, लेकिन अगर उसके बाद ऐसा वो कुछ करते हैं तो अगेन दे विल बी डिसक्वालिफाइड अंडर दिस लॉ। तो दीज आर सम ग्राउंड्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इश्यूज की, कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ इश्यूज क्या हैं, क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। सबसे पहला तो ये कि अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, के आप चुन के गए हो, जनता की आवाज बनकर गए हो उस पार्लियामेंट में या फिर उस हाउस में, लेकिन वहां पे आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी पार्टी आपको कहेगी। अगर आपकी कॉन्शियंस नहीं मान रही किसी लॉ पे हाँ करने की या किसी रूल पे या किसी भी तरह के मुद्दे पे वोट करने की, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी का चीफ व्हिप चाहता है कि आप ऐसा करो। तो सबसे पहला तो इशू यही है कि अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, के आपको ना चाहते हुए भी उन मुद्दों पे अपनी सरकार का या अपनी पार्टी का साथ देना पड़ेगा जो आपको लगता है कि सही नहीं है आपकी नजरों में। सेकंड इज कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर है उस हाउस का जनरली उसी पार्टी से आता है जिस पार्टी की सरकार हो, सत्ता हो, चाहे वो सेंटर की बात हो चाहे स्टेट की बात हो। तो ऐसे केसेस में अगर ऑपोजिशन पार्टी के लिए डिसीजन लेना हो तो वो 2-2 महीनों में या 15 दिनों में या 3 महीनों में डिसीजन लेके अपना उनको डिस्क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात हो, अपने मेंबर्स की बात हो, अगर कोई और बात उठा दे तो उन केसेस में, या अपने खराब कर रहे हो तो उन केसेस में वो बहुत ज्यादा समय भी ले लेते हैं, इवन के
टेन्योर खत्म हो जाता है उस हाउस का, उसके बाद जाके डिसीजंस आते हैं। तो अगेन कंट्रोवर्शियल रोल है स्पीकर का। 1992 से पहले जो आपका स्पीकर का डिसीजन है उस पर किसी भी तरह का जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी बात नहीं कही गई थी, लेकिन 1992 में, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस का डिसीजन होगा रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, इट इज अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, के इस डिसीजन को भी हम चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, किन सर्कमस्टेंसेज में लिया गया है, क्या इसमें कोई बायसिंग थी, जानबूझकर कुछ फेरबदल किया गया है, किसी और के लिए कुछ और था, अपनों के लिए कुछ और है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है इन केसेस को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स। अगेन इट इज सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स कि आप चुन के एक पार्टी की टिकट पे गए थे, जनता ने आप पे विश्वास किया, लेकिन वहां अंदर जाके आपने उस पार्टी को ही छोड़ दिया, तो इट इज सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट्स, है ना, कि आप बन के गए थे एक पार्टी के उम्मीदवार बनकर जीत कर गए हैं, लेकिन अंदर जाके आपने पार्टी ही चेंज कर ली, तो अगेन ये एक बहुत ही बड़ी सबवर्जन है आपके इलेक्टोरल मैंडेट्स की। नेक्स्ट इज अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। 1960s में ये लॉ पास होने से पहले हमेशा हमारे देश में ये चलता रहता था कि कोई इधर जा रहा है पार्टी में, कोई इधर जा रहा है पार्टी में। तो अगेन उस टाइम एक बहुत ही फेमस नारा दिया गया था हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को कि आया राम गया राम पॉलिटिक्स है, कि कोई इस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, कोई उस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ आने से पहले। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, कभी सरकारें इधर बन रही हैं, कभी सरकारें इन इधर बन रही हैं, उस 5 साल के टेन्योर में, लेकिन काम कोई नहीं हुआ, तो आया राम गया राम फंक्शनिंग हो नहीं रही है, बस कभी कोई मंत्री बन रहा है और कभी कोई मंत्री बन रहा है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। अब हम बात करते हैं सजेशंस की। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है डिसक्वालिफिकेशन के डिसीजन से रिलेटेड, उसको या तो सौंप दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, और ये इलेक्शन कमीशन की खुद की रिकमेंडेशन भी है और लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशन है, और आपका नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी यही रिकमेंडेशन है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो आपकी इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है इसको यहां से लेकर स्पीकर या फिर चेयरमैन से लेकर इसका एक सेपरेट जुडिशियल ट्राइब्यूनल बन जाना चाहिए, जिसमें कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज बैठे और वो डिसाइड करे कि क्या इन केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन लगती है या नहीं लगती है, राइट। तो इससे स्पीकर के रोल का भी मुद्दा खत्म हो जाएगा, उसकी बायसिंग का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, और इन केस स्पीकर ना हो या डेप्टी स्पीकर ना हो, उस केस में भी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन के लायक हो तो उसको भी डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है अगर उसका एक सेपरेट जुडिशियल ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र के केस में ही फरवरी 2021 में नाना पटोले जो थे उन्होंने स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कोई स्पीकर ही नहीं है, डेप्टी स्पीकर है, पर उनके खिलाफ भी रिजोल्यूशन पास हो चुका है उनके रिमूवल का, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जब डेप्टी स्पीकर के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो जाए उनके रिमूवल का, तो वो किसी भी चीज के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी यही हुआ, शिवसेना के जो वो रिबल लेजिस्लेटर्स है उनपे किसी भी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है वो नहीं लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दलील पेश की गई उनके वकीलों द्वारा कि डेप्टी स्पीकर हमें इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके खुद के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास हुआ है उनके रिमूवल का, और जब तक उस रिजोल्यूशन पे डिसीजन नहीं आ जाएगा तो वो हमारे केस को कैसे डिसाइड कर लेंगे, राइट। पर इस केस में अगर इलेक्शन कमीशन के पास चल जाए या फिर एक सेपरेट जुडिशियल ट्रिब्यूनल के पास चल जाए तो उस केस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, स्पीकर हो ना हो, डेप्टी स्पीकर हो ना हो, डिसीजन जो है आपके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो
हो जाएंगे। या फिर एक हमारे पास रिकमेंडेशन ये भी आई थी कि जैसे बाकी डिस्क्वालिफिकेशन आपकी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर देखते हैं, राइट, तो इस में जो आपकी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को दे देनी चाहिए कि ये यहाँ पे जो है एक्शन ले सके। लेकिन अगेन इनको भी रिकमेंड कौन करेगा, इनको भी रिकमेंड जो है वहाँ की रूलिंग पार्टी जो आपके सीएम है या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही करेंगे। तो इस केस में बेटर यही है कि इलेक्शन कमीशन या फिर कोई सेपरेट जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो है बन जाना चाहिए। सेकेंडली कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज लॉज वेयर द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट कैन लीड टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जहां इंसान की कॉन्शियंस नहीं मान रही वोट करने पे उसे नहीं फोर्स किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट अगर उसके वोट ना करने से या करने से सरकार गिर जाए। उन केसेस को छोड़ के अगर उसे लगता है कि उसी की सरकार ही कोई गलत बिल लेकर आ रही है ना, तो उस केस में उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर वो वोट नहीं करना चाहता तो वो ना करे, सिवाय उन केसेस के जहां पे अगर वो नहीं करेगा तो जो उसकी सरकार है वो कॉन्फिडेंस लूज कर दे, हो सकता है सत्ता गिर जाए पार्टी पार्टी की उस स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, तो उन केसेस को छोड़कर उन्हें नहीं फोर्स किया जाना चाहिए। तो इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली those laws where the defeat of the government can lead to loss of confidence. तो ये है हमारी suggestions इस anti-defection law को लेकर, right? तो ये था आपका anti-defection law. I hope आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से, और political crisis जो महाराष्ट्र में चल रहा है आप उससे अच्छी तरह relate कर पाए होंगे इसे। Till then, all the best, best of luck and keep following for more such updates. Thank you very much.